हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2021 के साल को स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मना रहा है। हिमाचल की 50 साल की यात्रा को यादगार बनाने के लिए सरकार ने कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना के चलते ये आयोजन नहीं हो पाए। हिमाचल में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, ऐसे में सरकार ने हिमाचल में स्वर्णिम रथ यात्रा करने का फैसला लिया है, जिसको लेकर सरकार ने आज हाई लेवल की मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। ये रथ यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि अब सिर्फ एक रथ से ये यात्रा की जाएगी, जो प्रदेश के 51 जगहों पर जाएगी। ये यात्रा के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र को छूने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर को राष्ट्रपति का विधानसभा में होने वाला अभिभाषण भी हिमाचल की स्वर्णिम यात्रा का हिस्सा है। राष्ट्रपति जी हिमाचल प्रदेश में 17 तारीख को आ रहे हैं, विधानसभा का विशेष सत्र उस दिन जो है वो संबोधित करेंगे और अच्छा लगेगा। ये भी एक हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष का जो है एक कार्यक्रम स्टेटहुड का जो रखा है, तो उस पे वो उनका शामिल होना हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। वैसे इसकी रूपरेखा हमने पहले ही तय कर दी थी एक वक्त में, लेकिन बीच में कोविड का सेकंड फेज का जो दौर आया, इसलिए वो स्वर्ण जयंती का जो हमारा स्टेटहुड के जो 50 वर्ष के बाद मनाने का जो कार्यक्रम था वो हमने स्थगित कर दिया था। अब जब हम देख रहे हैं कि कोविड के मामलों में थोड़ी कमी जरूर आई है और ऐसी सूरत में जो सोशल गैदरिंग की जो रिस्ट्रिक्शंस है उस पर भी थोड़ी रिलैक्सेशंस सभी स्टेट ने भी दी है, हमने भी दी है, ऐसी सूरत में इस कार्यक्रम को अब करना चाहिए और हमारी प्रेपरेशन पहले से ही चली हुई थी। अब हमने टेंटेटिव सी डेट उसमें तय की है कि संभवतः 2 अक्टूबर से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।